हाय, मैं सीए बिनी अरोड़ा आज आपको होस्टबुक के बिहाफ पे बताने जा रही हूँ कि ITR-1 और ITR-4 में ऐसे क्या मेजर चेंजेस हुए हैं असेसमेंट ईयर 2021। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट की जावा और एक्सेल यूटिलिटी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जिसके रहते आपके मन में काफी सारी क्यूरियोसिटी होगी ये जानने के लिए कि ITR-1 और ITR-4 में ऐसे क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो PDF फॉर्म ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए हैं, जिसके बिहाफ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ITR-1 और 4 में क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ITR-1 और ITR-4 दोनों ही काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो पहले बात करेंगे हम ITR-1 के बारे में। ITR-1 बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड है, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड सो ऑन। तो पहले हम बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में आता है जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे कि असेसी का नाम, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका पैन कार्ड, इस तरह की जो असेसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो पार्ट ए में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आता है ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्स की इनकम को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। इसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी में आता है हमारा पहला पार्ट है डिडक्शंस। डिडक्शंस में मतलब डिडक्शंस चैप्टर 6 ए की 80C से लेके 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं वो इसमें आती हैं। इसके अलावा पार्ट सी में हमारा टैक्सेबल टोटल इनकम भी आता है, जो कि हम ऑलरेडी ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट कर चुके हैं पार्ट बी में, उसमें से डिडक्शंस को अगर हम घटा देते हैं तो हमारी टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाती है। इसके अलावा भी पार्ट सी में कुछ डिस्क्लोजर पार्ट आता है, जो कि डिस्क्लोजर पार्ट है एग्जम्प्ट इनकम का। एग्जम्प्ट इनकम जो हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, उसका खाली हमें डिस्क्लोजर देना होता है पार्ट सी में। इसके बाद आता है हमारा पार्ट डी, जो कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बताता है। जो हम टैक्सेबल इनकम ऑलरेडी पार्ट सी में कंप्यूट कर चुके हैं उस पर टैक्स कंप्यूट होता है पार्ट डी में। इसके बाद आता है हमारा पार्ट ई। पार्ट ई मतलब अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन से मतलब है जो भी बैंक अकाउंट्स बेसिकली आपने इंडिया में मेंटेन करे हैं ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, वो सारे बैंक अकाउंट आपको यहाँ दिखाने होंगे। इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल आईटी। आईटी का मतलब है जो भी आपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर पे करे हैं वो आपके शेड्यूल आईटी में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे शेड्यूल टीडीएस और टीसीएस की। शेड्यूल टीडीएस, टीडीएस जैसा कि आप जानते ही होंगे, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो आपका सैलरी इनकम पे भी हो सकता है और अदर इनकम पे भी हो सकता है। तो जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर वो आपको शेड्यूल टीडीएस में दिखाना होगा। इसके बाद आता है टीसीएस। टीसीएस मींस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जो भी आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है ड्यूरिंग पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर वो आपको शेड्यूल टीसीएस में दिखाना होता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट, वो है वेरिफिकेशन। जो भी रिटर्न को वेरीफाई कर रहा है उसको डिटेल वेरिफिकेशन शेड्यूल में देनी पड़ती है। वो असेसी खुद भी हो सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव असेसी भी हो सकता है। ITR-1 की तरह ही ITR-4 भी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसा कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड सो ऑन। तो हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में जैसा कि ITR-1 में जनरल इंफॉर्मेशन आता है, वैसा ही ITR-4 में भी जनरल इंफॉर्मेशन ही पार्ट ए में दिखाया जाता है, जैसे कि एसएससी का नाम, एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका पैन नंबर और इस तरह की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम एंड अदर सोर्स की इनकम। इन सब इनकम को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता है। इसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी में आता है हमारा डिडक्शंस। डिडक्शंस
चैप्टर 6 की डिडक्शंस 80C से लेके 80U तक हमारी पार्ट सी में दिखाई जाती है। इसके अलावा हमारे पार्ट सी में आता है टैक्सेबल टोटल इनकम। टैक्सेबल टोटल इनकम मीन्स जो हम क्रॉस टोटल इनकम ऑलरेडी पार्ट बी में कंप्यूट कर चुके हैं उसमें से जो हम डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो हमारा टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट डी। पार्ट डी बताता है टैक्स कंप्यूटेशन। जो हम टैक्सेबल टोटल इनकम ऑलरेडी पार्ट सी में कंप्यूट कर चुके हैं उसी पे जो टैक्स कंप्यूट होता है वो पार्ट डी में आता है। इसके अलावा बताता है हमारा टैक्स स्टेटस। टैक्स स्टेटस मतलब या तो हमारा टैक्स पेबल होगा या हमारा रिफंड बनेगा या फिर कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा इसमें डिस्क्लोजर पार्ट भी आता है। डिस्क्लोजर पार्ट एग्जेम्प्ट इनकम का। एग्जेम्प्ट इनकम मीन्स जो हमारी इनकम तो होती है पर वो टैक्सेबल नहीं होती तो हमें उसका आईटीआर फॉर्म में खाली डिस्क्लोजर देना होता है। इसके अलावा आते हैं हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स पार्ट डी में। इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल बीपी। शेड्यूल बीपी में आती है जो भी हमारी इनकम प्रेजम्प्टिव बेसिस पे हम कंप्यूट करते हैं चाहे वो इनकम हो हमारी 44AD की चाहे वो हो 44ADA की और इसके अलावा 44AE की। जो भी हम इनकम प्रेजम्प्टिव बेसिस पे कंप्यूट करते हैं वो हमारी शेड्यूल बीपी में आती है। इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल आईटी। शेड्यूल आईटी में आता है हमारा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट। जो भी हमने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिपॉजिट करे हैं वो सारे हमें शेड्यूल आईटी में डिस्क्लोज करने होते हैं। अब हम बात करेंगे शेड्यूल टीडीएस और टीसीएस की। शेड्यूल टीडीएस। टीडीएस जैसा कि आप जानते ही होंगे टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो आपका सैलरी इनकम पे भी हो सकता है और अदर इनकम पे भी हो सकता है। तो जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर वो आपको शेड्यूल टीडीएस में दिखाना होगा। इसके बाद आता है टीसीएस। टीसीएस मीन्स टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जो भी आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है ड्यूरिंग पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर वो आपको शेड्यूल टीसीएस में दिखाना होता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट वो है वेरिफिकेशन। जो भी रिटर्न को वेरीफाई कर रहा है उसको डिटेल वेरिफिकेशन शेड्यूल में देनी पड़ती है। वो असेसी खुद भी हो सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव असेसी भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऐसे चेंजेस की जो ITR-1 और ITR-4 दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल इंफॉर्मेशन सेक्शन की। उसमें एक फील्ड ऐड हुआ है जो कहता है कि डू यू हैव अ वैलिड इंडियन पासपोर्ट। तो अगर आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है तो आपको यस करके उसमें अपना पासपोर्ट नंबर इंडिकेट करना अब मैंडेटरी हो गया है जो कि पहले नहीं था। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप नो पे टिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की। तो ग्रॉस टोटल इनकम में जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं सैलरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड अदर सोर्सेज इनकम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी इनकम की। सैलरी इनकम में मेजर चेंज ये आया है कि पहले आपको यानी कि असेसमेंट ईयर 1920 की बात करूं तो उसमें आपको जो सैलरी होती थी वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में डिक्लेयर करनी पड़ती थी और आपको एम्प्लॉयर का एड्रेस नेम ये सब डिस्क्लोज करने की नीड नहीं थी। लेकिन अब आपको हर एक एम्प्लॉयर का नाम उसका नेचर उसका एड्रेस ये सब इंडिकेट करना मैंडेटरी है। लेकिन अभी भी आपको टैन नंबर इंडिकेट करना खाली तभी मैंडेटरी है जब उस एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। अदरवाइज आपको टैन नंबर मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम की। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो ये है कि आपको आप हर एक हाउस प्रॉपर्टी का चाहे वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो चाहे वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी हो हर एक प्रॉपर्टी का आपको एड्रेस इंडिकेट करना मैंडेटरी है। ये चेंज बेसिकली इसलिए हुआ है कि जो लोग एचआरए की फेक एग्जम्पशन को क्लेम किया करते थे उसको थोड़ा अवॉइड किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में अब आपको टेनेंट का नाम उसका पैन अगर पैन नहीं है तो आधार
ये इंडिकेट करना आपको मैंडेटरी है। और ऐसा रेंट जो आपको रियलाइज नहीं हुआ है किसी भी रीजन से, वो आपको इंडिकेट करना मैंडेटरी हो गया है आईटीआर फॉर्म में। इसके बाद आप बात करते हैं अदर सोर्स इनकम की। तो अदर सोर्स इनकम में एक सेक्शन ऐड हुआ है, वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 57(4). 57(4) कहता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 56(2)(8) में, उसकी आपको 50% ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा 57(4) सेक्शन में। अब 56(2)(8) क्या है? 56(2)(8) सेक्शन है जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है कंपेंसेशन पे या एनहेंस कंपेंसेशन पे, एज रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 145(b). तो अब हम बात करेंगे ऐसे चेंजेस की जो सिर्फ ITR-4 में हुए हैं, ITR-1 में नहीं हुए हैं। पहले हम बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन की। जनरल इंफॉर्मेशन में अगर आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव असेसी फाइल कर रहा है, तो असेसमेंट ईयर 1920 में था कि आपको उस रिप्रेजेंटेटिव असेसी का पैन नंबर इंडिकेट करना है, बट अब उस रिप्रेजेंटेटिव असेसी को ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो वो उसकी जगह पे आधार नंबर भी इंडिकेट कर सकता है। इसके अलावा जो मेजर चेंज है वो जो आया है जनरल इंफॉर्मेशन में, वो ये है कि एक नया प्रोवाइजो 139(1) सेक्शन में इंसर्ट हुआ है, 7th प्रोवाइजो। उसके रहते ही इस चेंज को आईटीआर फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इस चेंज को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) क्या है। तो 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) है कि कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, अगर हम कंपनी और फर्म को छोड़ दें, जिसको रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) में नहीं फाइल करनी है अदरवाइज, उसको भी रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) में फाइल करनी पड़ेगी अगर वो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो अब ये कंडीशंस क्या है? तो ये तीन कंडीशन है बेसिकली। तो पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि उस पर्सन ने डिपॉजिट किया हुआ हो अमाउंट या फिर एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ड्यूरिंग पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, उसने अमाउंट डिपॉजिट किया हो जो 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा हो। अब वो अमाउंट किस में डिपॉजिट किया हो? करंट अकाउंट में मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड कंडीशन की। तो सेकेंड कंडीशन ये है कि उस पर्सन ने एक्सपेंडिचर इनकर किया हो ऑफ अमाउंट, या तो वो सिंगल अमाउंट हो या फिर एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीड कर रहा हो 2 लाख से, अपने लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए। अब क्वेश्चन है कि किस चीज के लिए? तो उसने किया हो फॉर ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्री। तो ये तो थी हमारी सेकेंड कंडीशन। अब हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। उस पर्सन ने एक्सपेंडिचर इनकर किया हो ऑफ एन अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट जो एक्सीड कर रहा हो ₹1 लाख से और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फुलफिल करता हो सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो उस पर्सन को भी अब रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। तो इस प्रोविजो के रहते ही इस क्वेश्चन को आईटीआर फॉर्म में डाल दिया गया है। अब वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आईटीआर फॉर्म आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आर यू लायबल टू फाइल रिटर्न अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1)? अगर आप उसको यस करते हैं तो आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको 7th प्रोविजो में बताया। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपने डिपॉजिट किया है अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट जो 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है करंट अकाउंट में, अगर आप उसको यस करते हैं तो आपको अमाउंट डिपॉजिटेड भी बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि आपने कोई ऐसे एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो 2 लाख से एक्सीड कर रहा हो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर और ट्रैवलिंग टू अ फॉरेन कंट्री
अगर आप उसको यस करते हैं तो आपको अमाउंट इंडिकेट करना पड़ेगा कि आपने कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो 1 लाख से एक्सीड कर रहा हो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, किस पे? ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप उसको यस करते हैं तो आपको वो एक्सपेंडिचर आईटीआर फॉर्म में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये तो थी हमारी मेजर कंडीशन। अब हम बात करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन में एक और चेंज के बारे में। वो चेंज ये है कि वेदर यू आर पार्टनर इन अ फर्म। तो क्या आप किसी फर्म में पार्टनर हैं? अगर तो आप उस फर्म किसी फर्म में पार्टनर हैं, आप तो आपको उसको यस इंडिकेट करना पड़ेगा। और अगर आप यस इंडिकेट करते हैं तो आपको सारी फर्म के नाम के साथ साथ उनका पैन नंबर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन किया जाएगा, अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप फर्म की, तो फर्म के केस में आपसे पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन जो उस फर्म में पार्टनर है। अब उन पार्टनर्स की डिटेल मांगी जाएगी। उन पार्टनर्स की डिटेल में आपसे मांगा जाएगा जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फर्म में क्या परसेंटेज ऑफ शेयर है, उनका पैन नंबर, उनका आधार नंबर, अगर आधार नंबर नहीं है तो वो एनरोलमेंट आईडी भी इंडिकेट कर सकते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कैपिटल का, और जो उनको रेमुनरेशन पे किया जा रहा है। तो ये सब डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे डिडक्शंस पार्ट की। तो इनकम टैक्स एक्ट में दो न्यू सेक्शंस इंसर्ट हुए हैं डिडक्शंस में, वो है 80EE एंड 80EB। तो मैं इन दोनों सेक्शंस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगी। 80EE सेक्शन है क्या? तो 80EE सेक्शन बताता है डिडक्शन, किसकी डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मीन्स ऐसी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो जो 80EE सेक्शन में बताई गई है। अब अगर आपको उन कंडीशंस को डिटेल में जानना है तो आप हमारे अगले वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। अब 80EE सेक्शन में डिडक्शन की जो लिमिट है वो डिसाइड कर दी गई है अप टू 1,50,000। इसके बाद हम बताएंगे सेक्शन 80EB के बारे में। तो 80EB सेक्शन बताता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज के रिस्पेक्ट में जो डिडक्शन मिलेगी आपको वो 80EB में मिलती है। जैसा कि 80EA के बारे में मैंने आपको बताया, तो वैसे ही अगर आपको 80EB के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे अगले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। 80EB की डिडक्शन की भी लिमिट 1,50,000 तक स्पेसिफाई करी गई है एक्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल बीपी के बारे में। तो शेड्यूल बीपी में जो मेजर चेंज किया गया है वो 44AE में किया गया है। वो चेंज क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। जैसे कि पहले था असेसमेंट ईयर 1920 में प्रेजम्प्टिव इनकम जो गुड्स कैरेज की होती थी वो पूरे साल की एक साथ कंप्यूट करके एक्चुअल इनकम से कंपेयर करके हायर को टैक्सेबल कर दिया जाता था और वो एक ही कॉलम में कर दिया जाता था। बट अब यूजर की ईज के लिए और क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए अब क्या किया गया है कि प्रेजम्प्टिव इनकम पर मंथ की कंप्यूट की जाती है और उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की प्रेजम्प्टिव इनकम को निकाल के फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करके और हायर को टैक्सेबल किया जाता है, जिससे कि यूजर को ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है। इसके अलावा बीपी में जो चेंज हुआ है वो हुआ है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल या फिर ओन कैपिटल या सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, इस तरह की डिटेल जो आईटीआर फॉर्म में पहले मांगी गई थी असेसमेंट ईयर 1920 में, अब उस डिटेल को आईटीआर फॉर्म से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अब एक चीज को इंसर्ट किया गया है, वो क्या है कि आपको कैश बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन आपकी प्रेजम्प्टिव बिजनेस से रिलेटेड हुई हैं उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उनको डिस्क्लोज कैसे करना है,
वो आपको दिखाना पड़ेगा, उनका ओपनिंग बैलेंस, उनका रिसीट जो पूरे प्रीवियस ईयर में है, उनका पेमेंट और विड्रॉल जो पूरे प्रीवियस ईयर में है, और इसके साथ उनका क्लोजिंग बैलेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ये सब जो अपडेट्स ITR-1 और 4 के मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सब अपडेट्स हमारे ITR के सॉफ्टवेयर में रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे एज फार एज गवर्नमेंट की यूटिलिटी रिलीज हो जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप HostBooks की वेबसाइट को विजिट करके हमारे न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।